सब्सक्राइब कीजिए देसी इंजीनियर चैनल को और बेल की घंटी बजा दीजिए नए अपडेट्स पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल देसी इंजीनियर पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जरूरत के वक्त पे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का मैक एड्रेस कैसे चेंज करेंगे। हालांकि इसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आप एक कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो वेबसाइट्स आपको कुछ देर तक फिर दोबारा वो काम करने ना दे, या फिर आपको कुछ देर वेट करना पड़े। उस कंडीशन में अगर आप अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस चेंज कर देते हैं, तो आप उस वेबसाइट को लगता है कि आप किसी दूसरे डेस्कटॉप पे या दूसरे कंप्यूटर में पहुंच गए हैं। तो इस कंडीशन में हम मैक एड्रेस चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं हम मैक एड्रेस कैसे चेंज करते हैं। मैक एड्रेस चेंज करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है TechniTM मैक एड्रेस चेंजर। तो ये आपको इस पर गूगल पे सर्च करना है और ये वाला वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ से इसे डाउनलोड करके इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, तो इससे आप आसानी से मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया है और ये इस तरीके से ओपन हो गया है। जब ये इस तरीके से ओपन हो गया, तो यहाँ पे ये सब कुछ दिखा रहा है। इन्फॉर्मेशन हमारी जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो दिखा रहा है, और मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा रैंडम मैक एड्रेस जनरेट, और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा चेंज मैक एड्रेस। जब मैं चेंज मैक एड्रेस पे क्लिक कर दूँगा, तो मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा और मैसेज आ जाएगा योर मैक एड्रेस हैज़ बीन चेंज। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस आसानी से चेंज कर सकते हैं ज़रूरत के वक्त पे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।